सरकार जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं सरकार के ही नुमाइंदे इसमें पलीता लगाने में कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, आज हम आपको ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जिसे देख आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मामला है यूपी के जनपद बहराइच का। बहराइच के रिसिया बाजार क्षेत्र के निवासी धनीराम रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। धनीराम की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन नवजात शिशु इम्परफोरेट एनर बीमारी की चपेट में था। नवजात को जिला पुरुष अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया गया। सर्जन डॉक्टर एफ आर मालिक ने जांच कर नवजात शिशु का ऑपरेशन ही एकमात्र उपचार बताया। डॉक्टर मालिक के साथ रहने वाले सहयोगी बने रहने वाले दलाल जूनू ने ऑपरेशन के लिए धनीराम से 5,000 रुपए का इंतजाम करने की बात कहकर ऑपरेशन का समय दिया। ऑपरेशन थिएटर में मासूम के ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। इसी दौरान धनीराम रिश्तेदारों से 4,000 रुपए उधार मांगकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर के दलाल को पैसे दे दिए, लेकिन दलाल 1,000 रुपए और देने की बात पर अड़ गया। धनीराम ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए ऑपरेशन के बाद 1,000 रुपए चुकता कर देने का वादा किया, लेकिन नवजात को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया गया महज 1,000 रुपए के लिए। धरती के भगवान का बेरहम चेहरा देखकर धनीराम अपनी माँ पत्नी व बच्चे के साथ अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गया। पीड़ित के समर्थन में अन्य तीमारदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब इस बात की भनक अन्य डॉक्टरों व अस्पताल प्रबंधन को लगी तो हड़कंप मच गया। एसडीएम एसपी शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप यादव, सीएमएस डॉक्टर पीके टंडन मौके पर पहुंचे। मामले को दबाने के लिए बच्चे को लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए जाने में असमर्थता जाहिर करते हुए दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए अड़ गया। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने जबरन एम्बुलेंस बुलवाकर नवजात की हालत को गंभीर बताकर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया। इस घटना को देख क्या कहा जाए कि जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है उसने अपना हैवानी रूप दिखा दिया। भगवान का दूसरा रूप कह जाने वाले डॉक्टर के यहाँ इस तरह की समस्या आएगी तो फिर लोगों का क्या होगा? कहाँ के रहने वाले? रिसिया बाजार से। हाँ धनीराम, यहाँ अस्पताल में ये जिनके साथ बैठे हो कौन है और ये बच्चा जो रो रहा है ये कौन है तुम्हारा? ये हमारी माँ है, ये हमारा लड़का है। कब पैदा हुआ है? 4:15 बजे। क्या परेशानी है? पर मलिक डॉक्टर के कंपोर्टर का इनके 4-5 हज़ार के व्यवस्था कर लो। व्यवस्था की है हम कहा देवे, हमें जब कागज पत्र बनाए के फाइल बनवाई के ऑपरेशन कहीं आ जाए शनिवार के इतना ऑपरेशन हो जी है, कल इतवार है, कल छुट्टी गई है, तो आज मौका है, आज कल देवे। हम कहा बाबू जी हम पैसा देवे, डॉक्टर साहब कौन मेर के कही दो हम व्यवस्था कर पाए, कहीं ना पर ही नहीं चमना है, कल इतवार है, तो जब आपका नाय करेगा रहा है तो आप पहले में बता देते कि हम ना करब। उसके बाद में यहाँ ना कोई दवाई ना कोई इलाज, बोतल चढ़ाई दिन खाली ना कोई हमार सुनवाई है। आज जवाब दिन है कि लखनऊ लेके जाए, लखनऊ रिफर करी थे और लखनऊ में हम फ्री तुम्हार काम हो जाए, पैसा ना पड़ी। तो हम कहा साहब हम डॉक्टर साहब यही पैसा दी था कौनों मेरे पे हमार कह दो, यही के चक्कर में है आज हमें जवाब दे दिन है। अब हम बताओ कहाँ लेके जी, हमारे लड़का ही मेरे के है। हाँ, ये कौन है लड़का जिसको लेकर बैठी हो? पोता। क्या वजह थी जो आपको जो है अस्पताल से बाहर भगा दिया गया? पैसा के दिक्कत में, पैसा ना दे पावा तो भगा दिए। कितने पैसे की मांग की गई थी? 5,000। कितना दे रहे थे तुम? 4। इस बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूँ, ये कहना है हमारी जानकारी में, इस बारे में जानकारी करूँ, अगर कोई होगा कोई पाया जाएगा इस तरह का उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। आने वाले तीमारदारों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी, दलालों की जस्ट से अस्पताल कैसे बाहर निकलेगा, इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? कई चीज़ें आप लोगों ने बताई है, अभी संज्ञान में आई है, तो इसको हम लोग लिखवाते हैं, इसलिए जो है पूरी तरह कठोर कठोर कार्रवाई। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि मरीज को अपने इलाज के लिए धरने तक का बैठना पड़ रहा है, ऐसे में कैसे सुधार करेंगे आप? नहीं, इसमें हम लोग लिखवाते हैं, इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करते हैं। किसके खिलाफ? नहीं, जो भी दोषी पाया जाएगा। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए बहराइच से नूर आलम बारसी की रिपोर्ट।